ज्योति मौर्या मामले में खान सर को हुआ बड़ा नुकसान। अपनी वीडियो में उन्होंने कह दी बड़ी बात। जी हाँ, खान सर ने एक वीडियो में क्लास पढ़ाते हुए अपने बड़े नुकसान के बारे में बताया है। उनका दावा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने उनके कोचिंग से अपनी पत्नियों का नाम कटवा करके उन्हें घर पर बैठा दिया है। ऐसा दावा खान सर का हो रहा है, जिनमें उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा होने लगी। महिला चौगाई गांव की रहने वाली है। महिला का नाम खुशबू है। खुशबू के पति का नाम पिंटू सिंह है। पिंटू सिंह का कहना है कि वो पेट्रोल पंप पर प्रबंधक है। अपनी सैलरी से बचत कर पत्नी को पढ़ाते हैं, लेकिन अब पत्नी को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो असमर्थ है। उन्होंने कहा था कि मैंने जब पत्नी को पढ़ाई के लिए मना किया तो दोनों के बीच घर पर झगड़ा होने लगा। पिंटू ने बताया कि प्रयागराज में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की घटना से वो काफ़ी आहत हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगर उनकी पत्नी पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएगी और उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो उनका क्या होगा, वो कैसे रहेंगे। ऐसे में पिंटू ने पत्नी की पढ़ाई पर आने वाले खर्च को उठाने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच जो है विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी शिकायत लेकर सीधे थाने पहुंच गई। वहीं खुशबू का कहना है कि उनकी शादी साल 2010 में पिंटू सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का शौक था तो पति खर्च कर उसे पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। खुशबू कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुशबू ने बताया कि बीपीएससी की मेंस परीक्षा में सिर्फ 7 नंबर से वो पीछे रह गई थी। इसके बावजूद अब भी वो यूट्यूब और दूसरी किताबों के जरिए जो है वो तैयारी कर रही हैं, लेकिन अब पढ़ाई जारी रखने से पति मना कर रहे हैं। खुशबू ने बताया कि इस दिक्कत को लेकर उसने मुरार थाना अध्यक्ष रविकांत प्रसाद को आवेदन भी दिया, उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए पति को समझाने की मांग की। मामले में थाना अध्यक्ष ने आवेदन के आधार पर हस्तक्षेप करके पति पत्नी के बीच मध्यस्थता कराई। कहा कि हर किसी का विचार और आचरण एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अलग अलग होता है, इसलिए पति पिंटू सिंह से पत्नी की पढ़ाई पूरी कराने की अपील की। हालांकि पति जो है पिंटू सिंह वो मान गए और वो राजी हो गए कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी की जो पढ़ाई है वो आगे जारी रखूंगा। इस बीच सोशल मीडिया पर ये जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, उसमें खान सर का ये वीडियो अब सामने आया है, जिसमें खान सर ने ये साफ साफ दावा किया है कि उनके कोचिंग सेंटर से कुछ जो पति हैं, लगभग 93 महिलाओं के जो पति हैं, वो उनको एडमिशन से वापस ले गए और उसके बाद खान सर ने उन्हें समझाया बुझाया।